दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और मैं भी जल्दी जल्दी नहा धोकर किचन में आ गई हूँ ताकि कुछ अच्छी वैरायटी का खाना बना सकूँ। त्योहारों का और खाने का एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध है। जब भी घर में कोई अच्छे त्यौहार होते हैं तो हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बनाते हैं और बच्चे सारी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। और अब पापा और बच्चे मिलकर घर में लाइटिंग लगा रहे हैं दीपावली की तैयारी में। वो खुद ही मिलकर लगाते हैं ताकि बच्चों को भी त्योहारों का उत्साह आए, आगे चलकर उनके काम भी आएगा। आप देख सकते हैं घर कितना सुंदर लग रहा है, इनकी मेहनत ही है। इन सब चीज़ों से बच्चों को त्योहारों का मतलब समझ में आता है और एक इंजॉय करने की फीलिंग भी आ जाती है। अब हमने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छा सेट कर लिया है। मैं 2 दिन पहले ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ ताकि दीपावली के दिन सिर्फ इंजॉय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, खाना पीना करेंगे। तो मैंने घर पे कुछ DIY बनाया था, मैं और मेरे बेटे ने मिलके जितना हो सका, और उसी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है जिससे घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमने हाथों से बना कर रखी है। इन सब में मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन होने के बाद घर भी बहुत सुंदर लगता है, पॉजिटिव एनर्जी फीलिंग होती है। तो आप भी अपने घर को ऐसे ही सजाते होंगे। फिर मैंने एक कॉर्नर पे बहुत ही सुंदर सा DIY बनाया है जिससे भगवान के पास पूरी रोशनी हो जाए, पूरे दीपक जलते रहेंगे। हस्बैंड की पूजा शुरू हो गई है। बेटे ने दीपक में कलर करना शुरू कर दिया है और बेटी धनतेरस की रंगोली बना रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनी है। अब दिवाली के 5ों दिन बहुत अलग अलग रंगोली बनाएगी। तो दोनों बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी होती है। अब धनतेरस की पूजा करने के लिए मैंने जो सामान लाया हुआ था उसकी पूजा कर रहा है बेटा। फिर अचानक एक प्रॉब्लम हो गई, कई बार होता है त्योहारों में, आपके साथ भी होता होगा। हमारे यहाँ की RO मशीन से पानी आना बंद हो गया और 30 त्यौहार में ये सारी चीज़ें होती हैं तो बड़ा दुख लगता है। लेकिन फिर वो आया और सब कुछ ठीक हो गया, उसने ठीक किया तो काम हो गई है। मैंने 13 दिए जलाकर घर के हर एक कोने पर रख दिए हैं और कल नरक चौदस है तो हम सब सूर्य उदय के पहले ही स्नान कर लेंगे। सबको उपटन लगाकर मैं आरती करूंगी। हमारे यहाँ ऐसे ही नियम है। फिर हम कैसा पूरा दिन एंजॉय करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।